वेलकम टू डिलाइटफुल रसोई। आई एम योगिता गुप्ता और मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ बच्चों का बहुत ही फेवरेट ओरियो एंड मैरीगोल्ड बिस्किट केक। इसके लिए हमने 3 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं और 7 से 8 आप मैरीगोल्ड बिस्किट ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून शुगर, 1/2 टी स्पून सोडा बेकिंग सोडा, ऑयल ग्रीसिंग के लिए और 1 कप मैदा। सबसे पहले हम इन सभी बिस्किट्स को मिक्सी में बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये सारे बिस्किट्स हमने विद क्रीम ही लिए हैं और ये बिस्किट केक हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट। अब हम इसमें ये 1 कप मिल्क ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून शुगर और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर। एक फ्लैट पैन लेके उसमें हम नीचे पूरी तरह से ऑयल इसे ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा केक जो है वो इस पर चिपके नहीं। अब हमारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रख दिया है और उसमें सॉल्ट डाल दिया है। एक चीज का ध्यान रखें, प्रेशर कुकर की विसल जो है वो आपको निकाल देनी है। रख दिया है, इसमें हम इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे और इसे तेज गर्म करने के बाद जो हमने पैन में वो डाला है ओरियो केक का बैटर उसे हम इसके अंदर रख रहे हैं। साथ ही हमने विसल निकाल दी है, इसे हम 45 मिनट बंद करके बेक कर देंगे कि जो प्रेशर कुकर है उसकी आप विसल निकाल दें। 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसे देखने का एक तरीका होता है कि आप टूथपिक से या नाइफ से देख सकते हैं, जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इसमें बैटर चिपकता नहीं है, इसका मतलब ये पक चुका है। कभी कभी गैस की फ्लेम का की वजह से अगर नहीं होता है और बैटर जरा सा भी लगे स्टिक हो रहा हो तो आप इसे थोड़ा सा ऑफ करें। अब हम इसे बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीब 20 मिनट तक ये ठंडा हो उसके बाद आप इसे बाहर प्लेट में निकाल। अब हमारा ये केक हमने करीब तकरीबन 20 मिनट ठंडा कर लिया है, इसे हम एक थाली में या प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा केक तैयार है, इसमें काफी अच्छा स्पंज है। अब हम इसे प्लेन भी ही खा सकते हैं या हम इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, आप जेम्स की मदद से, चॉकलेट सिरप की हेल्प से या फिर बिस्किट से भी इसे डेकोरेट करा। ये हमारा ओरियो और मैरीगोल्ड बिस्किट केक तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।